हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, गणेश जी का त्यौहार हो और घर में मोदक ना बनाए जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके के गुलकंद के मोदक बनाना बताऊंगी, जो कि बाजार में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रेट में मिलते हैं, लेकिन इन्हें घर में बनाना इतना आसान है कि आप घर के ही सामान से इन्हें आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि आप एक बार बनाएंगे और फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। गुलकंद के मोदक बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन लिया है, उसमें मैं ये एक कटोरी डेसिकेटेड नारियल डाल दूंगी। ये सिंपल बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ मैंने एक गिलास दूध लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से दूध में मिक्स कर लेंगे ताकि यह जूसी हो जाए और इसमें सूखा सूखा खाने में ना लगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए मिलाना है। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, साथ ही साथ ये पैन पर बहुत जल्दी लगने लगता है, इसलिए हमें लगातार पैन को चलाते हुए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। और देखिए, थोड़ी ही देर में दूध अच्छे से नारियल में मिल गया है और हमारा नारियल एकदम जूसी जूसी हो गया है। अब इसमें मैं आधा कप चीनी डाल दूंगी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक कप नारियल के साथ मैं आधा कप चीनी बहुत सही रहती है। इसे भी हम नारियल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से चीनी को मेल्ट होने देंगे। देखिए, थोड़ी देर में चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें मैं एक कटोरी मिल्क पाउडर डाल दूंगी। मिल्क पाउडर हमारा मावा का काम करता है। अगर आपके घर में ताज़ा मावा हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मावा नहीं है तो मिल्क पाउडर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। मिल्क पाउडर को भी अच्छे से डेसिकेटेड नारियल के साथ हम मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे, जब तक मिक्सचर पैन नहीं छोड़ने लगता है। थोड़ी देर में हमारा मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा। फ्रेंड्स, इस समय हमें पलटा लगातार चलाते रहना है और 5 से 7 मिनट में ही हमारा मिक्सचर अच्छे से पैन छोड़ने लगेगा। देखिए, धीरे धीरे मिक्सचर पैन छोड़ने लगा है। अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है, लेकिन हमें इसे ओवर हीट बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी देर में देखिए मिक्सचर अच्छे से पैन छोड़ने लगेगा और बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, एक जगह मेरा मिक्सचर अच्छे से इकट्ठा होने लगा है। अब इस मिक्सचर में मैं एक हल्का सा पिंक कलर डाल दूंगी। आज हम गुलकंद के लड्डू मोदक बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें पिंक कलर का यूज किया है। फ्रेंड्स, लेकिन ये पिंक कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे हमारे मोदक का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। देखिए, सारे मिक्सचर में मैंने पिंक कलर अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये एकदम रोज पेटल्स की तरह कलर आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मिक्सचर को पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। अभी हमें इस स्पैचुला को चलाते रहना है क्योंकि हमारा पैन बहुत गर्म है। अब पैन ठंडा हो गया है और देखिए मिक्सचर कितना हार्ड हो गया है। इसे हाथ से बनाने पर एक डो की तरह बनने लगा है। हमें अपना मिक्सचर इतना ही पकाना था और ये देखिए एक डो की तरह बिल्कुल मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इस डो को हम एक प्लेट में ले लेंगे
और इधर मैंने एक मोदक का मोल्ड लिया है। अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं हो तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। इस पे मैं थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लूंगी। अब मैं अपने मिक्सर में से थोड़ा सा लोई लेकर, हमें इसमें एक रोटी के बराबर मिक्सर लेना है और उसे बिल्कुल अच्छे से हाथों पे फैला देना है। अच्छे से हाथों से फैलाने पर ये आराम से फैल जाएगा। अब ये मैंने थोड़ा सा गुलकंद लिया है, ये घर पर बनाया हुआ गुलकंद है, आप चाहें तो बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसे इसके बीच में हम लगा रख देंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, गुलकंद एक स्टफिंग की तरह काम करेगा और एक बिल्कुल अच्छी सी आटे की लोई की तरह हम इसे बना लेंगे। फिर इसे हाथ से थोड़ी सी मोदक की शेप देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से ही इसे बना सकते हैं। अब इसे मोदक स्टैंड में लगाकर हम अच्छी सी शेप में ला ले आएंगे। देखिए, मोदक का जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसे निकाल कर बाहर कर देंगे और इसे अच्छे से दबाकर मोदक बना देंगे। ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनके तैयार हुआ है। और इसी तरीके से अब हम दूसरा मोदक बना के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें बनाना बहुत आसान है, एक बार घर में ट्राई करके देखिएगा। साथ ही साथ ये खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप इन्हें एक बार बनाएंगे और फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे मोदक में भी गुलकंद को अंदर भर देंगे। गुलकंद हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हम अक्सर पान और उसमें गुलकंद का यूज करते हैं। अब इसे भी हम मोदक की शेप दे देंगे और फिर स्टैंड में लगाकर इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे मोदक बनाकर रख लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनके तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम अपने सारे मोदक बना लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरे सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने परफेक्टली बने हुए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल छिड़क देंगे ताकि इस हमारे मोदक बिल्कुल बाजार की तरह लुक में लगे। फ्रेंड्स, बाजार में गुलकंद की मिठाई इसी तरीके की मिलती है। और अब इन्हें हम एक लड्डू की कटोरी में, अगर आपके पास ये पेपर की कटोरियां ना हो तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, इन्हें पेपर की कटोरियों में सेट कर देंगे। ये केवल डेकोरेट करने के लिए हैं, आप घर में बना रहे हैं तो इन्हें ऐसे ही रखिए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारे अपने मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक बार इस प्रकार मोदक बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरे सारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं। तो इस बार गणेश जी को इस तरीके से मोदक का भोग लगाइए और इन्हें काटने पर देखिए ये मोदक कितनी अच्छा सा अंदर से स्टफिंग हुई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।